आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। पढ़ाई भी सफाई भी अभियान के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्राकृतिक स्रोतों को साफ रखना है जरूरी, कहा प्रेम कुमार धूमल ने। पूर्व बागवानी मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर का जन्म दिवस बना खास, समाज की कई विभूतियों को किया गया सम्मानित। गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन का पेपरों के पुनर्मूल्यांकन का विरोध जारी, सरकार की होगी पूरी जिम्मेदारी, कहा संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने। और धनोटू में ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने किया ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश यादव ने जानकारी दी है कि राज्य स्तर पर एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार एसोसिएशन की मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक पेपरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के द्वारा जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसका 6वां दिन है। और इन 6 दिनों के अंदर पूरे के पूरे महाविद्यालयों में जो है, जो पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है पेपरों की 6 सेमेस्टर की, उसका संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। और इन मांगों को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम शिक्षक जो है आंदोलनरत हैं। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार को जो है अध्यापकों की और छात्रों की परीक्षाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई सरकार इसकी आवश्यकता समझती है। मेरा ये मानना है कि भी अगर छात्रों का जो 6वें सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, अगर उनका रिजल्ट डिले होता है, लेट होता है, उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार और जो शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो सरकार के आदेशों को नहीं मानते हैं, उन मनमर्जी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी तय होगी। हमने विश्वविद्यालय को भी इन समस्याओं से आगाह करवा दिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सारे कॉलेज टीचर जो हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहेंगे और हम मूल्यांकन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि सरकार जो है हमारी मांगों का हल नहीं निकालती है और जो है हमें समस्या एसोसिएशन को जो है बैठक के लिए नहीं बुलाती है और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश यादव ने एसोसिएशन की मांगों से अवगत करवाते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखे गए शिक्षकों का 1 अप्रैल से नियमितीकरण के लिए सरकार ने वादा किया था, लेकिन यह फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। राजेश यादव ने सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। पूरे 5-6 साल से शिक्षकों के सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड जो है उनको रिलीज नहीं किया गया है। रिसर्च की जो एमफिल और पीएचडी की इंक्रीमेंट्स लगती हैं, वो पिछले 20 साल से मिल रही थी, उनको जो है बंद कर दिया गया 2014 के बाद कि किसी भी शिक्षक को अब एमफिल और पीएचडी की इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, जो कि यूजीसी के नियमों के विपरीत है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षकों को जो है वो रिसर्च कॉम्पोनेंट जो यूजीसी के द्वारा था, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। और हमारा ये मानना है कि जब 2012 में आपने जो है यूजीसी के नियमों को लागू किया, तब तक जो है शिक्षकों को एपीआई से रिसर्च के मामले में जो है वो छूट दी जाए। और उसके पश्चात जो है, जो मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश भी किए हैं विभाग को कि जो है एक नई कमेटी गठित करके उसके द्वारा जो है नए मापदंड तय किए जाएं, जिसमें जो है शिक्षकों की जो अन्य गतिविधियों में हिस्सेदारी है उसके उनके उसका उनको जो है श्रेय मिलना चाहिए और उनके क्रेडिट्स में वो चीज़ें जानी चाहिए, ताकि जो है शिक्षक अपनी जो मिनिमम कंडीशंस को पूरी करें और जो है ये डीपीसी और स्केल हमारे रिलीज हो जाएं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को जो है वो रेगुलराइजेशन का मुद्दा, सारे विभागों का जो टीचर्स हैं वो सभी रेगुलर हो गए हैं, लेकिन सिर्फ कॉलेज के टीचर्स हैं जिसके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है इतना लंबा किया जा रहा है कि अभी तक उनको जो है नोटिफाई नहीं किया गया। तो ये भी हमारी मांग है कि सबसे पहले इनको नियमित किया जाए, और जब तक ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम हड़ताल जारी रखेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और पेपर चेक नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पुनर्मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके चलते एसोसिएशन की हड़ताल का 6वां दिन है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमृतसर से मार्च
चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद ज्वाला जी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस ढलियारा के तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं और हादसे के शिकार सभी लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। अमृतसर से मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद ज्वाला जी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस ढलियारा में तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। घायलों को नजदीकी देहरा अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन एक ही डॉक्टर होने के चलते इलाज में देरी हुई। 15 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायलों में 15 महिलाएं, 15 पुरुष और 3 बच्चे हैं। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी में एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर करीब 1000 फीट गहरी खाई में गिरकर चंद्रभागा नदी में समा गई। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जीप चालक बाल बाल बच गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को पुलिस ने बाहर निकाला और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक के साथ 19 साल की लड़की निवासी मिंधल और निवासी थांदल को लेकर पुर्थी मार्ग से पांगे मुख्यालय किलाड़ आ रहा था। छटवानी में अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर 1000 फीट नीचे चंद्रभागा नदी में जा गिरी। मंजू कुमारी का शव करीब 700 फुट नीचे गहरी खाई में मिला जबकि राकेश कुमार वाहन के साथ नदी में समा गया। इस हादसे में जीवित बचे चालक ने बताया कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को चट्टान पर पाया। जैसे तैसे घायल अवस्था में पहाड़ी चढ़कर सड़क तक पहुंचा। मौके पर पहुंचे एसटीएम पांगी करम सिंह ने बताया कि मृतकों के परिवार को 10,000 रुपए और घायल चालक को 5,000 रुपए की राशि फौरी तौर पर मुहैया करवाई गई है। घायल चालक का इलाज पांगी अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल में एक बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इस बिल्डिंग के एक कमरे में बच्चों की क्लासेस लगाई जाती हैं और छत पूरी तरह से दरारों से पटक गई है और छत को सहारा दिया गया है। यदि गलती से कोई बच्चा कमरे में यद लगी स्पोर्ट को सहारा लेता है तो छत कभी भी गिर सकती है और नीचे बैठे बच्चे कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। के चैनल के संवाददाता ने जब स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। इस बारे में उच्च माध्यमिक के उप निर्देशक से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास जिला में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो कि अनसेफ है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्कूल का प्रस्ताव आता है तो जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत बिल्डिंग को गिराने के निर्देश दिए जाएंगे। जो ताल स्कूल की बात है तो प्राथमिक स्कूल उप निर्देशक के पास प्रस्ताव आया होगा। मेरे ध्यान में हमारे ज़िले में ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है जो अनसेफ है किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, पर फिर भी हमारे पास जो भी केसेज यहाँ आते हैं उसको हम प्रायोरिटी पर डील करते हैं और जिला प्रशासन के पास भेजते हैं और वहाँ भी बिना किसी देरी के उसकी स्वीकृति मिलती है उसको डिसमेंटल करने की। पर अभी हमारे पास कोई भी केस ऐसा पेंडिंग नहीं है ये किसी जिस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए कोई किसी ने रिक्वेस्ट की। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। आईटीआई मंडी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी दी है कि 10 और 11 मई को दुनिया की मशहूर कंपनी PNG द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा 2 साल की एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा। 10 और 11 मई को यहाँ मंडी आईडी के कैंप्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी PNG प्रोटेक्टर एंड गैम्बल जो कि बद्दी में जिनका प्लांट है हिमाचल में, उनका एक दल यहाँ आईडी मंडी में प्लेसमेंट के लिए आ रहा है। जो प्लेसमेंट की जाएगी वो अप्रेंटशिप के आधार पे की जाएगी। 1 साल की जो है या 2 साल की जो अप्रेंटशिप रहेगी
और उसमें जो है निम्नलिखित ट्रेड उनको चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, आईटी, ईएसएम, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, रेफ्रिजरेशन और मशीनिस्ट, ये सभी ट्रेड जो है अप्रेंटिसशिप के लिए इनको चाहिए। और ट्रेनिंग दौरान जो स्टाइपेंड दिया जाएगा कंपनी की ओर से वो है 5700 प्लस 1500, यानी कि 7200 रुपये जो है पर मंथ कंपनी की ओर से दिए जाएंगे। फूड फैसिलिटी एक टाइम की कंपनी की ओर से मुहैया करवाई जाएगी, यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज और जो है 27 छुट्टियां दी जाएंगी इसमें। तथा कंपनी के अधिकारी ने जैसा कि मुझे बताया, अगर अप्रेंटिसशिप के दौरान अच्छा जिसका कार्यकाल रहता है बहुत बढ़िया, तो उनको जो है रेगुलर सर्विस के भी चांसेस हैं। लेंगे हाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार के चैनल के इस बुलेटिन में जारी रहेगा। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Brings you an exclusive range of branded tiles, centenary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, wet refill tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets. Range of centenary wares, one piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one piece toilet centenary wares, like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunabani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. मजदूर संघ के तहत आने वाले रेहड़ी फड़ी यूनियन के सदस्यों ने नगर परिषद मंडी द्वारा शहरी मंच की पार्किंग वाली छत पर स्थानांतरित करने पर जिला प्रशासन और नगर परिषद का धन्यवाद व्यक्त किया है। यूनियन के सदस्यों ने मांग की है कि नए स्थान पर स्थानांतरित करने पर यहां पानी, बिजली, शेड और कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जैसे कि स्कूल बाजार से 16 साल के बाद हमें नगर परिषद ने फुटपाथ से उठाकर यहाँ चांदनी में पार्किंग में लाए हैं, और यहाँ पे हमें जो जगह मिली है हम धन्यवाद करते हैं नगर परिषद का भी, जिला प्रशासन का भी, क्योंकि स्कूल बाजार में कुछ सालों से बहुत तंगी आ रही थी क्योंकि वो फुटपाथ था, फुटपाथ के ऊपर जो है काफ़ी साल से जो है प्रशासन ने हमें बिठाया था, लेकिन उस समस्या को देखते हुए नगर परिषद और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से हमें जो है चांदनी पार्किंग दी है। तो क्योंकि जो समस्या है उस समस्या का हल होने से ही सारी स्थितियां जो है ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें ये जगह भी ठीक है, लेकिन हम नगर परिषद जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जैसे यहां धूप, आजकल गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज़ है, यहां पर जो है शेड बनाया जाए, ऊपर छत डाली जाए और पानी यहाँ नहीं है, पानी का भी प्रबंध किया जाए, लाइट का भी प्रबंध किया जाए और शौच की भी यहाँ टॉयलेट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इससे जो नीचे जो ये स्लैब है जहाँ ये पार्किंग है, इसमें बरसात के मौसम में पानी बहुत भर जाता है, इसलिए मैं जिला प्रशासन और नगर परिषद से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर जो है नीचे या कोई रफ टाइप या टाइल टाइप जो है इस पर डाली जाए, ताकि हम लोगों को जो है गरीब लोगों को यहाँ मूलभूत सुविधा प्रदान हो सके।
रेहड़ी धारकों को सही व्यवस्था के साथ शेरी मंच की छत वाली पार्किंग में स्थानांतरित किया गया है। नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि स्कूल बाजार फुटपाथ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ मुरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रेहड़ी धारकों को स्थानांतरित किया गया है। रेहड़ी फेरी धारकों को जो है वो शेरी मार्केट की जो दुकानें हैं उसके ऊपर उनको विधिवत बिठा दिया गया है, जैसा कि उपायुक्त महोदय और नगर परिषद का आदेश था उसके अनुसार उनको सही तरीके से आवंटन करके बिठा दिया गया है। अब कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत या किसी जो आपके वेंडर्स हैं उनकी नाराजगी या कोई ऐसा इशू नहीं है और अब आराम से जो अपना कार्य कर रहे हैं। जो फुटपाथ खाली किया गया है उसके अंदर PWD विभाग ने कुछ कार्य करना है और वहाँ पे जो अगर पत्थर इत्यादि भी पड़े हुए हैं तो वो उन पत्थर का यूज़ भी उसी काम में कर लेंगे, वो अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी संदर्भ में हमने लोगों को यहाँ से उठाया था तो ये अब सारे क्लीन हो जाएंगे। मंडी पुलिस ने सूचना दी है कि पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया निशुल्क सेवा है, जिसमें उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि अभ्यर्थी किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आए। DSP मंडी हितेश लखनपाल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती करवाने के लिए प्रलोभन देकर रुपए की मांग करता है तो तुरंत पुलिस अधीक्षक को सूचना दे और यह सूचना पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए कई सार्वजनिक जगहों में सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का आप देख रहे हैं व्यवस्था की गई है, हर जगह वीडियो कैमरा लगाए गए हैं। हमने वार्निंग बोर्ड्स भी लगाए हैं जिसमें लिखा है कि किसी तरह के डूबियस करेक्टर से सावधान रहें, जो कि भी प्रलोभन देता है कि पैसे के लालच में या किसी और उसमें आपको भर्ती करा दिया जाएगा। उनके बच्चों के लिए हमने बस स्टैंड में भी, चौटा बाजार में भी और भी कई स्थानों पर ये बोर्ड लगाए हैं, चेतावनी बोर्ड, और हम आपके माध्यम से भी ये बताना चाहेंगे कि ये निष्पक्ष भर्ती हो रही है और इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान को और तेज गति प्रदान कर दी है, जिस कारण शहर में पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि मंडी शहर की मुख्य सड़कों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ना कोई मुहिम छेड़ी जाती है। इसी मुहिम के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा स्पेशल क्रेन व्हीकल द्वारा पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है और वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। मंडी के समस्त वासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने वाहनों को जो मंडी शहर में जो पार्किंग प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है वहाँ पे अपने वाहन पार्क करें और इसके अलावा जो प्रशासन के नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनको मैं नियमानुसार जो उनके चालान कर रहा हूँ और उन मैं समझा भी रहा हूँ कि अपने वाहनों को जो है वो जो पार्किंग प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई है वहाँ पर पार्किंग करें और इसके अलावा जो भी प्रशासन के नियमों का कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको हम जो है नियमानुसार के चालान किए कर रहे हैं और उन्हें हमें समझा भी रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ाई भी सफाई भी अभियान के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्राकृतिक स्रोतों को साफ रखना है जरूरी, कहा प्रेम कुमार धूमल ने। पूर्व बागवानी मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर का जन्म दिवस बना खास। समाज की कई विभूतियों को किया गया सम्मानित। गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन का पेपरों के पुनर्मूल्यांकन का विरोध जारी। सरकार की होगी पूरी जिम्मेदारी, कहा संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने। और धनोटू में ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने किया ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज।